महादेवी के बच्चा उखनी मर रहा है। देखने सरकार मिली भगत न है तो हम नकली हमारे बेटी बेट पर मर रहा ना। टाइट से सरकार रहते तो मतलब जो देखल के गली गली में से खोज के जवान कोना में निकाले तहाँ से खोज के कुर्सी जब्ती होते न प्रशासन सुनै छै न सरकार सुनै छै न डॉक्टर सुनै छै। बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाली 27 वर्षीय सुनीता को एक प्राइवेट क्लिनिक में 3 सितंबर 2022 की शाम 4 बजे भर्ती कराया गया था। 2 महीने पहले आई एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि उनकी राइट ओवरी में सिस्ट इन्फेक्शन हो गया है। गलियर ऑपरेशन करा ले मास भर गेलेगा पेट में दर्द होत रहे तो गलियर करावे। शुभकांत नाम के एक प्राइवेट क्लिनिक के मालिक पवन कुमार ने सुनीता की माँ तेतरी देवी को ये भरोसा दिलाया कि वो महज 20,000 रुपए में सुनीता का यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी पर हो जाएगा गरीब आदमी का है पैसा खर्चा करिएगा पवन बोला हमको इसी पर हो जाएगा गरीब आदमी पैसा उसका खर्चा उर्चा आप नहीं करिए। 2.5 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में सुनीता ने न सिर्फ अपना यूट्रस खोया बल्कि उनकी दोनों किडनियाँ निकाल ली गयी। यही वो शुभकांत नाम का अस्पताल है जहाँ पर सुनीता को पिछले साल लाया गया था और उसके यूट्रस का ऑपरेशन बताकर उसकी दोनों किडनियाँ निकाल ली गई थी। आज ये हॉस्पिटल बंद है, इसे सरकार ने बंद कर दिया है। इस घटना को आज 8 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है और सुनीता आज दोनों किडनियों के बिना डायलिसिस पर जिंदा है। इतना सुया वो कहता है वो इन्ना वाला असने इतना मोटा सुया रहता है पाइप रहता है इतना मोटा पाइप से लगता है और तब 4 घंटा गले से 4 घंटा मशीन में खून पूरा शरीर के खून निकल के आ पेरा के खून अलग चढ़ता है एगो से चढ़ता है एगो से निकलता है और पानी अलग हो जाता है। जिस अस्पताल ने सुनीता की दोनों किडनियां चोरी की इससे कुछ दूर बने एक और अस्पताल में 29 वर्षीय पिंकी दिसंबर महीने में नसबंदी कराने गई थी लेकिन इसके मालिक एक झोला छाप डॉक्टर राकेश कुमार रोशन ने उसे कैंसर का डर दिखाते हुए यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन करने की बात कही। बिल के तौर पर 18,000 रुपए वसूले गए। 1 महीने बाद ही पिंकी की हालत गंभीर हुई तो उसे समस्तीपुर मुजफ्फरपुर और पटना के अस्पतालों में दिखाया गया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में सामने आया कि पिंकी की पेशाब की नली को काटकर उसे खुला ही छोड़ दिया गया था। महीनों तक पेशाब की नली कटे रहने के बाद पिंकी की राइट किडनी भी खराब होने की कगार तक पहुंच गई थी। जिस पीड़ा से आज सुनीता और पिंकी जैसी गरीब दलित महिलाएं गुजर रही हैं, ठीक इसी दर्द से 12 साल पहले बिहार की गुड़िया देवी भी गुजर चुकी हैं। साल 2011 में गुड़िया देवी एक 25 साल की युवा महिला थी जो 4 बच्चों के बाद नसबंदी कराने समस्तीपुर जिले के माँ तारा नर्सिंग होम में गई थी। 5 दिन बाद घर लौटी तो पता चला कि यूट्रस गायब है। हम बोले जो छोटा ऑपरेशन करने के लिए हम ऑपरेशन कराए थे जो मतलब बच्चा बंद होने वाला तो हमको तो पता नहीं चला जो कैंप लगा ना वहाँ पर समस्तीपुर तो बोला ये लोग की जो कुछ आदमी था ना हमको साथ जो नहीं जाने के लिए लेकिन वहाँ से आया जो आइए यहाँ आप लोग को क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है तो वहाँ चेक भेला तो बोले जो ऑपरेशन बड़ा हो गया तब ना केस हो गया। सुनीता गुड़िया और पूनम जैसी महिलाओं द्वारा अपनी किडनी और यूट्रस खोने की कहानी में भले ही 1 दशक और सैकड़ों किलोमीटर का फासला हो पर हर महिला ने अपनी डिग्निटी और ऑर्गेन्स एक ऐसे बेशर्म अयोग्य और शोषक मेडिकल सिस्टम के हाथों गवाई हैं जो गरीब और अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले इन महिलाओं की वल्नरेबिलिटी और बेजुबानी का फायदा उठाता है। उनके यूट्रस की कीमत लगाई गई थी महज 30,000 रुपए जिसे अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर जितेंद्र ने नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत रीइंबर्स कराया था। गुड़िया का नाम बिहार की उन 700 महिलाओं की लिस्ट में जुड़ गया था जो 2012 के गर्भाशय स्कैम का शिकार हुई थी। इस स्कैम में बिहार के डॉक्टरों ने करोड़ों रुपए इन कैश कराने के लिए युवा महिलाओं के हेल्दी और नॉर्मल यूट्रस निकाल लिए थे। डॉक्टर का है ऑपरेशन होगा तब ठीक रहेगा नहीं होगा तो नहीं ठीक रहेगा काहे कैंसर हो जाएगा कहा डॉक्टर कैंसर हो जाएगा मतलब पानी उनी गिरता था तो दवाई कराएं डॉक्टर कहें कि नहीं नहीं बड़ा ऑपरेशन नहीं कराइए से अब बच्चा है कैसे हम करा देंगे तो हम कहें सर बहुत इलाज करा सकते हैं बच्चा है मतलब उम्र कम है। हम नहीं जानते थे कि हमको ऑपरेशन होगा तो हम अल्ट्रासाउंड में चली गए तो हम कहा कि सही ना खातून का गलत ऑपरेशन है।
हिस्टेरेक्टोमी एक बहुत ही कॉमन गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशन या सर्जरी है वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में ये बहुत कॉमन है, लेकिन कई बार इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। इस सर्जरी की वजह से समस्तीपुर ज़िले में काफ़ी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिले। तकलीफ बहुत आया, फिर उनका दर्द भी करते हैं ऑपरेशन। जब दर्द करते हैं तब पेशाब में दर्द करते, पेशाब क्लियर नहीं होता है। बच्चादानी कम उम्र में तो निकालना नहीं चाहिए। हमारे शरीर में जितना भी अंग भगवान ने दिया है, हर चीज का इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए हमारे साथ में घाव हो गया, पेशाब उंगली को काट देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसका ट्रीटमेंट है, पहले ट्रीटमेंट करना है। अगर वो नहीं ठीक होता है देन हम लोग को डायग्नोसिस अगर होता है कि हाँ बिल्कुल इंडिकेशन है बच्चादानी निकालने का, तभी उसको निकालना है। क्योंकि मेंटली उन लोगों को लगता है कि हमारा फीमेलहुड खत्म हो गया। जो बच्चादानी निकल जाता है तो उनको मन में लगता है कि मेरा जो एक ऑर्गन है जिसकी वजह से हम फेमिनिन कहलाते हैं, आई एम अ वुमन, तो वो चीज़ हमारा खत्म हो रहा है, जिस वजह से थोड़ा डिप्रेस रहती हैं, ये रहती हैं। और बहुत बार क्या होता है, उनको डर होता है कि मान लीजिए कि हमारा मतलब हस्बैंड को कुछ हो गया तो हमारा बच्चादानी निकला रहेगा तो मेरा लाइफ फिर कैसे चलेगा, आगे भी कुछ नहीं हो सकता है। पिछले 10 साल में बिहार में बहुत कुछ बदला तो है, लेकिन जो कुछ नहीं बदला वो है इन दलित महिलाओं के झोला छाप डॉक्टरों के चंगुल में फंसने की कहानियां। पिछले साल के जून महीने तक सुनीता एक नॉर्मल यूट्रस वाली कामकाजी महिला थी। उनकी 3 डिलीवरी हुई थी और तीनों ही अस्पताल में हुई थी। अपने मजदूर पति अकलू राम का हाथ बटाने के लिए वो दूसरों के खेतों में काम करती थी, लेकिन अचानक उन्होंने पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत की। उन्हें राज्य द्वारा संचालित मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया गया था, जहां अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये बात आई थी कि उनकी राइट ओवरी में सिस्ट जमा हो गया है। अस्पताल का कहना है कि कोविड इन्फेक्शन के चलते सुनीता को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 15 दिन बाद आने के लिए कहा गया। इसी बीच सुनीता की माँ तेतरी देवी पवन नाम के एक कंपाउंडर के संपर्क में आई, जो एक 3 कमरों के टिन शेड क्लिनिक को चलाता था। सुनीता के केस में उसने सीधे बच्चेदानी निकालने की बात पर परिवार को राजी कर लिया। तो हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऑपरेशन कराना होगा तो नहीं अल्ट्रासाउंड नहीं कराना होगा, जो आपको अल्ट्रासाउंड है तो अल्ट्रासाउंड रहे तब दे दीजिए, पुरनका वाला रहा। लेकिन दिल्ली एम्स में काम करने वाली एक गायनोकोलॉजिस्ट का कहना है कि सुनीता के केस में सबसे पहला ऑप्शन मेडिकेशन था, दूसरा था सिस्ट रिमूवल, और तीसरा ऑप्शन था सर्जरी द्वारा ओवरी को निकालना, और जो सबसे आखिरी ऑप्शन था वो था बच्चेदानी का ऑपरेशन। लेकिन सुनीता के केस में आखिरी ट्रीटमेंट ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बन गया, जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। 2.5 घंटे बाद पवन कुमार और डॉक्टर जितेंद्र पासवान और डॉक्टर आर के सिंह जब बाहर निकले तो एक थाली में खून से भरे मांस के 3 चिथड़े लेकर आए। अस्पताल में मौजूद पवन कुमार की पत्नी ने सुनीता के परिवार को वो थाली दिखाते हुए कहा कि देखिए कितनी बड़ी बीमारी थी। दरअसल थाली में सुनीता की दोनों किडनियां भी रखी हुई थी। पवन के जनानी, तो आपको मोबाइल है? हम बोले हाँ। हाँ, मोबाइल पर खींच कहा जाए यही आपको ये बीमारी है, 1 लाख की बीमारी आपको निकला। 12 घंटा जब एक हो गए तब कहले वो डॉक्टर साहब पवन की इसको पेशाब के थैली में इसको पेशाब कहना है आ रहा है, तो इसको शरीर में पानी की कमी है। हम गए 12 घंटा पानी चढ़ गया, पानी गिरा कहाँ, पानी 12 घंटा जो भर रहा था पानी चढ़ गई तो पानी शरीर में से गिले कहाँ, ये पानी थैली में ना डॉक्टर खून टेस्ट करके ले गए। ले गला के बाद में की डॉक्टर से फोने पर जानो बतिया ले ला पवन आ बतिया के आ तब मतलब जो हम बोलेरो ले आए, वो अपने ले लगा बोलेरो बलजोर जो हमारा बेटी के बैठा ले गाड़ी में हमारा बैठा ले ला ले चल गए आकर ले ले हमारा ले ले गए। गेले के बाद में मतलब जो गाय घाट पटना गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करा दिल वो अपनी भर्ती करा के हमारा कर जो पैसा वैसा कुछ है तो हमारा जोन में 2500 रुपया रहे, वो 2500 रुपया मतलब जो भर्ती करा लग तो हम दे दिलिये। हम कहे हो सर सुनिए तो इलाज चलेगा सर, आप गार्जियन के बुलाने हम जा रहे हैं, गार्जियन के बुलाने हम जा रहे हैं। तो हम कहे हमको देखा ना सुना है कहाँ मतलब जो पटना में आप भर्ती करा के अपन भागल आप जा रहे हैं, ऐसे हमको आदमी ना है हम क्या करेंगे। तो आपको आदमी के हम जाते हैं लाने, वो भर्ती करा के और फलहार हो गया। इसके बाद सुनीता को 8 दिन तक मुजफ्फरपुर से पटना और पटना से मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में घुमाया जाता रहा।
स्थानीय अखबारों ने प्रमुखता से छापा कि एक युवा महिला की दोनों किडनियां चोरी हुई। इस मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने दो डॉक्टरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और चार्जशीट दायर की। उनका अस्पताल भी सील किया, लेकिन डॉक्टर सिंह अभी तक फरार हैं। तीन अक्यूज्ड थे, जो उसमें से दो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और चार्जशीट भी फाइल हो गई है। पवन कुमार से ही पकड़ाया है, जो क्लिनिक खोला हुआ है। हाँ। अजय डॉक्टर आरके सिंह जो है, जो ऑपरेशन जो किया है, वो नपाता है। वो लापता है। नपाता है तो उसको कौन खोजेगा? सरकार ना खोजेगा, प्रशासन ना खोजेगा, हम लोग तो नहीं खोजेंगे। पुलिस की जांच से ये बात साबित नहीं हो पाई कि किडनियों को किसी रैकेट के जरिए बेचा गया हो, लेकिन ये बात जरूर सामने आई कि पवन कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक कंपाउंडर था। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन इस मेडिकल नेग्लिजेंस पर हैरानी जताते हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, हमने ऐसा केस कभी देखा ही नहीं और ना ही सुना। ये कैसे संभव है कि आप गर्भाशय के साथ साथ किडनी भी निकाल लें, क्योंकि शारीरिक संरचना में दोनों ऑर्गेन बहुत दूर दूर हैं। वो ऑपरेशन करने के काबिल नहीं था, क्योंकि उसको एनाटॉमी, जो शरीर की संरचना होता है उसके एनाटॉमी बोलते हैं, एनाटॉमी का ज्ञान नहीं था। बजदानी में दर्द के नाम पर बजदानी निकाला, और बजदानी का और किडनी का दोनों का कोई संबंध नहीं होता। काफ़ी पेट में नीचे वाला भाग में बजदानी होता है, और किडनी दोनों तरफ से काफ़ी ऊपर होता है, पट्टी जो आदमी का होता है उसके नीचे होता है। तो दोनों के बीच में कोई एक्सीडेंटल निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आज सुनीता को बिहार राज्य ने अपने टॉप पेशेंट वाली श्रेणी में रखा है। अगर बिहार राज्य को कोई किडनी मिलती है तो सबसे पहले सुनीता को लगाई जाएगी, लेकिन ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की प्रक्रिया बेहद नाजुक और कॉम्प्लिकेटेड है। डायलिसिस हैज इट्स ओन कॉम्प्लिकेशंस, शी माइट गेट इन्फेक्शन, शी माइट गेट हार्ट फेलियर, पल्मोनरी कंजेशन, सुनीता पिछले 8 महीने में जीने के लिए एक दमदार इच्छा शक्ति दिखाने के बाद आज उम्मीद हार रही हैं। उन्हें दिन रात एक किडनी डोनर का इंतजार है। डॉक्टरों का मानना है कि किडनी ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल होने की ज्यादा संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि उनके ब्लड रिलेटिव ही उन्हें किडनी दें। ऑब्वियसली जो ब्लड रिलेशन का है, नियर बाय रिलेशन का है, वो ज्यादा सक्सेसफुल चांसेस, मैच करने का चांस उसमें ज्यादा है। लेकिन सुनीता के दोनों भाई और दोनों बहनों ने उन्हें किडनी देने से मना कर दिया है। अब हमरा लेल कोई ना दे दिया, तब भगवान हमरा लेल का चल गेले चोला बता, कोई आवा भगवान हमरा चोला बता। सुनीता के इलाज के बेहद क्रूशियल मोमेंट्स हैं, जहां उन्हें हर तरह के इमोशनल और सोशल सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन वो सारा सपोर्ट उनसे छीन लिया गया है। नेफ्रो के डॉक्टर, सारा मेडिसिन सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, बट इसको जो फैमिलियर या सोशल जो सहानुभूति चाहिए, ठीक है ना, वो हम लोग साथ रह करके तो मोटिवेट जब तक रहते हैं तब तक करते हैं इसको। उसके बाद जो इसके लाइफ का जो पर्सनल टाइम होता है उसमें थोड़ा सा जो इसको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और कंटिन्यू हॉस्पिटल में रह रही है, घर परिवार समाज बच्चा सबसे दूर है, ये भी थोड़ा सा असहाय महसूस करने लग गया है। उनका आरोप है कि उनके पति भी उनसे लड़ाई करके 5 बार अस्पताल छोड़कर भाग चुके हैं। कोई ना माना ही है, सब छोड़ के भाग जाइए। हालांकि कुछ समाज सेवा करने वालों ने उनके न्याय की मांग को जिंदा रखा है। 10 फरवरी से ही सकरा रेफरल अस्पताल के भीतर धरने पर बैठे उनके पिता ये मांग कर रहे हैं कि सरकार एक किडनी के साथ साथ 25 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी भी मुहैया कराए। मेरे पीछे जो आप एक धरना देख रहे हैं वो दरअसल सकरा रेफरल हॉस्पिटल के प्रमाइसिस के भीतर चल रहा एक प्रोटेस्ट है, जिसमें सुनीता के फैमिली मेम्बर्स और कुछ समाज सेवी लोग रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आकर बैठते हैं, और उनकी 4 मुख्य मांगे हैं। मांग है सुनीता के, मतलब ये किडनी मांग है, उसको बाल बच्चा के खेवा खर्च मांग है, 25 लाख रुपया मुआवजा मांग है, और क्या चीज मांग है, पढ़ाई लिखाई चाहिए। फिर हम केकरो जान न छोड़ब, चाहता हूँ जो हम छोड़ देते, हम केकरो न जान छोड़ब, न प्रशासन को छोड़ब, जहिया तक ला मतलब जय साल तक ला धरना चलब, धरना पर बैठते रह सकरा हॉस्पिटल पर। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि सुनीता के इलाज के खर्चे के साथ साथ उनके तीनों बच्चों के लिए SC ST हॉस्टल्स में एडमिशन और SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मिलने वाले 5 लाख रुपए को मंजूरी दे दी गई है।
सरकार, प्रशासन और करप्ट मेडिकल सिस्टम में पिस रही ये गरीब महिलाएं न्याय के लिए अक्सर एनजीओज, एक्टिविस्ट और लोकल मीडिया पर ही निर्भर रहती हैं, और यही वजह रही कि गुड़िया देवी और उनके जैसी 700 महिलाओं को 2012 के 10 साल बाद जाकर 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए का मुआवजा मिल पाया। लेकिन ये मुआवजा उनके 10 साल की तकलीफों के लिए काफी नहीं है, क्योंकि राज्य में गैर कानूनी नर्सिंग होम पहले से कहीं ज्यादा तादाद में चालू है। जिस नर्सिंग होम में गुड़िया देवी का गर्भाशय निकाला गया था वो आज भी चालू है। और तो और डॉक्टर जितेंद्र ने एक सीमैक्स नाम के एक और अस्पताल को भी खोल लिया है। 2012 के स्कैम के ज़्यादातर डॉक्टर्स आज बेल पर बाहर हैं और इस केस में कोई भी क्लोजर नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ धड़ल्ले से काम कर रही अस्पताल हैं और दूसरी तरफ हैं पीड़ित महिलाएं जो आज भी अपने ट्रॉमा से उभर रही हैं। डॉक्टर बोला जो कमजोरी की वजह से, मतलब कम उम्र में ऑपरेशन हो गया ना, इसी से सब चक्कर देता है।